साथियों, आज हम इस समय रिद्धि सिद्धि चौराहे पर हैं और एसआई भर्ती के पेपर लीक को रद्द करने को लेकर एक युवा साथियों के साथ में छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया गया है। आपको पता है राजस्थान सरकार को जांच करवा रही है एसओजी से। एसओजी ने खुद पुष्टि करी है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो पेपर है वो कितने बड़े लेवल पे लीक हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार अभी तक उस पेपर को रद्द करने का नाम नहीं ले रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जब आपकी मंशा युवाओं के हित में है, आप चाहते हो युवाओं का भला हो, तो आप इस पेपर को रद्द क्यों नहीं कर रहे हो? हम सरकार से भी कह देना चाहते हैं, अगर आप इस पेपर को रद्द नहीं करोगे तो राजस्थान का युवा आपके साथ में नहीं खड़ा होगा। और मैं जयपुर के सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी हक की लड़ाई की आवाज आपको बुलंद करनी पड़ेगी। युवा साथियों, अगर आज आप इस मांग के साथ में नहीं खड़े होते हो तो राजस्थान में आने वाले समय में युवाओं की कोई बात नहीं करेगा, युवाओं की कोई सुनेगा नहीं। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, मंगलवार के दिन जो भी साथी जयपुर में है, एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेके हमने पिंक सिटी प्रेस क्लब में 12 बजे एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप पिंक सिटी प्रेस क्लब 12 बजे जरूर पहुंचे और पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करके हम सरकार को चेताने का कोशिश करेंगे कि सब इंस्पेक्टर भर्ती को वो रद्द करे, और अगर फिर भी वो नहीं मानेंगे तो राजस्थान के सभी युवा सड़कों पे उतरेंगे और मजबूती से इस मांग को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। ये जो युवा है ये पीछे हटने वाला नहीं है, अपनी मांगों को लेकर लगातार मजबूती से संघर्ष करेंगे। सभी साथियों को 12 बजे मंगलवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब इस प्रेस वार्ता में पहुंचना है और अपनी आवाज बुलंद करनी है, जिससे सरकार तक हमारी बात पहुंचे, जिससे सरकार तक ये मैसेज पहुंचे कि राजस्थान का युवा सब चीख चीख के कह रहा है कि आप इस पेपर को रद्द करिए। तो आप पेपर को रद्द करना ही पड़ेगा, आप सब युवाओं की ताकत मिलेगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये पेपर जरूर रद्द होगा। सभी साथियों को पहुँचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।